तो 2019 में बहुत सारे नए फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं जिसमें 5G के फ़ोन्स भी इंक्लूडेड है। तो अगर आपको जानना है कि कौन कौन से होंगे ये फ़ोन, क्या स्पेसिफिकेशन होगा, तो आज का ये वीडियो आपको देखना चाहिए। हे व्यूअर्स, की हाल चाल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग 4 फोन्स के बारे में जो आपको देखने को मिलने वाले हैं इस ईयर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 4 ऐसे फोन्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इस ईयर में आपको देखने को मिलने वाले हैं, और ये सभी फ़ोन ब्रांडेड है और बहुत ही पॉपुलर फ़ोन रह चुके हैं। तो अगर आपको जानना है कि कौन है ये फोन, कैसे दिखते हैं ये फोन और कितने प्राइस रेंज में ये लॉन्च होंगे, तो आज का ये वीडियो आपको टिल द एंड देखना चाहिए। तो चलो ना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकलोली के। नाउ लेट्स बिगिन। तो ये है MI 9 जो बहुत ही जल्द चाइना में लॉन्च होने वाला है, और इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन की बात किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा किलर स्पेसिफिकेशन के साथ में ये फ़ोन चाइना में सबसे पहले लॉन्च होगा। तो ये फ़ोन देखा गया था सबसे पहले गीक बेंच में, तो इसकी भी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, उस आर्टिकल की भी लिंक दी हुई है। तो बात किया जाए इस फ़ोन का, तो इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का सोनी का कैमरा देखने को मिलेगा जिसकी मदद से आप बहुत ही किलर पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। तो बात की जाए इसके प्रोसेसर के बारे में, तो बताया जा रहा है कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 855 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो 5G को सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करता ही है। तो मतलब ये फ़ोन में 5G आपको देखने को 100% मिलेगा। तो इस फ़ोन की डिज़ाइन की बात की जाए तो ये टोटली बेजललेस डिज़ाइन के साथ में आता है, मतलब इसमें आपको पंच होल मिलता है कैमरा के लिए स्क्रीन में ही, जिसकी मदद से आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट फ़ोन है वो नन अदर देन रेडमी नोट 7। मतलब इस फ़ोन में आपको हर एक वो स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है जो आपको एक हाई वेरिएंट वाले फ़ोन में, मतलब एक फ्लैगशिप फ़ोन में देखने को मिलती है। बहुत ही शानदार फ़ोन है ये फ़ोन। अभी चाइना में लॉन्च होने वाला है कुछ दिनों बाद, और कुछ महीनों बाद ये फ़ोन आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा। प्राइसिंग तो इस फ़ोन का किलर है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अभी आपको कार्ट आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। बात की जाए इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 660 वाला प्रोसेसर मिलता है, और कैमरा सबसे हाईलाइटिंग फीचर है इसमें, 48 मेगापिक्सल का आपको बैक कैमरा देखने को मिलता है जिसकी मदद से आप बहुत ही शानदार पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे 660 के साथ 48 मेगापिक्सल का कैमरा सपोर्ट किया, लेकिन 660 में भी सपोर्ट करता है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि कैसे सपोर्ट करता है, नहीं तो आप यूट्यूब भी कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार फ़ोन है, बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो आप सोच रहे होंगे वन प्लस कहाँ गया, तो ये है हमारा 3rd फोन OnePlus 7। तो फ्रेंड्स, इस बार आपको OnePlus 7 में बहुत ही कम बेजल्स देखने को मिलेंगे, मतलब चिन्ह नीचे से भी कम कर दिया गया है और ऊपर से तो हटा ही दिया गया है। मतलब इसमें आपको फुल डिस्प्ले वाला स्क्रीन मिलेगा, साथ में एक पंच होल मिलेगा जिसकी मदद से आप सेल्फी क्लिक कर सकते हैं। तो सेल्फी भी क्लियर है, और इस बार इसमें आपको ट्रिपल कैमरा बैक में साइड में देखने को मिलेगा, मतलब इसमें आप बहुत ही शानदार कैमरा से फोटो क्लिक कर सकते हैं। बैक कैमरा की बात किया जाए तो 20 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल के साथ में देखने को मिलने वाला है, जिसकी मदद से आप किलर पिक्स क्लिक कर सकते हैं। आपको पता ही है OnePlus का कैमरा कितना शानदार होता है। बात की जाए इसके हाईलाइटिंग फीचर का, तो इसमें भी आपको 5G सपोर्ट करेगा, मतलब इनडायरेक्टली इसमें आपको प्रोसेसर 855 वाला देखने को मिलने वाला है। तो जैसा कि आपको पता होगा OnePlus का कोई भी फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं होता है, सर्टिफिकेशन उसके पास नहीं होता है, लेकिन इस बार आपको OnePlus 7 में वाटरप्रूफ देखने को मिलने वाला है, और डस्ट प्रूफ तो रहता ही है। तो इस बार आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है जो आपको 60 में भी देखने को मिला था, जो बहुत ही ज़्यादा कूल था, और इस बार बताया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा फास्ट देखने को मिलेगा। तो ये है अपकमिंग OnePlus 7, बहुत ही जल्द ये फ़ोन भी लॉन्च होने वाला है। तो S10 की बात ना हो, ऐसा हो सकता है, सैमसंग गैलेक्सी S10। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है सैमसंग का ब्रांड न्यू S10, जो आपको बहुत ही जल्द चाइना में पहले देखने को मिलेगा, फिर आपको इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो इस फ़ोन में आपको बेजललेस डिस्प्ले मिलता है पंच होल के साथ, जो ट्रेंड चल चुका है, बहुत ही सारे कंपनी ये फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं,
पंच होल वाले डिस्प्ले के साथ। तो ये सैमसंग भी लॉन्च करने वाला है अपने S10 में। तो इस फ़ोन में आपको स्नैपड्रैगन 855 देखने को मिलता है, मतलब इस फ़ोन में आपको 5G तो सपोर्ट करेगा। मतलब अगर आप प्लान कर रहे हैं अपकमिंग S10 लेने का, तो चिंता मत कीजिए, 5G 100% सपोर्ट करेगा। और इस फ़ोन की बात करें तो ये टोटली कंसेप्ट वीडियो है, ज़्यादा कुछ स्पेसिफिकेशन सामने नहीं आई है, आप ये वीडियो देख लीजिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा, फोन्स अच्छा लगा, लाइक करना ना भूले, ऐसे ही वीडियोज देने जाते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना यार। तो ठीक है व्यूअर्स, मिलते हैं, मिलके चिल करते हैं अपने ऐसे कोई न्यू टेकी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।